वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक विश है आप सभी के लिए। तो इतना छोटा चैनल होने के बाद भी जो मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो, मेरे सब्सक्राइबर लोग, और जो न्यू मेरे वीडियो पे अभी आए हो, सबको हैप्पी होली ब्रो। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड फोटो के अंदर चले जाना है और आपको अपना मॉडल इधर ऐड कर लेना है। ऐड करते इसको जितना हो सके क्रॉप कर लेना है इधर से, तो बैकग्राउंड अच्छे से आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉप करने के बाद आपको चले जाना है कट आउट वाला ऑप्शन पे। इधर आके पर्सन पे टैप कर देना है तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा और लगता है कि पूरा ही ले लेगा। तो देखते हैं, इधर देख सकते हो नीचे में थोड़ा बहुत पार्ट इधर नहीं आया, तो ब्रश वाला आइकन से सिंपली इधर से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगा इधर। और उसके बाद मॉडल को इस तरह से सेट कर दीजिए। तो अब मैं जो कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में, सबका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर लेना। और उधर आपको तीनों कलर का एक पाउडर टाइप का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, उसको सिंपली इधर ऐड करके थोड़ा सा बड़ा रखना साइज को और नीचे के साइड इस तरह से सेट कर लेना। ये छोटा वाला कलर इधर ऐड कर लेना है। ऐड करते इसका ब्लेंड मोड पे रख के इसका मोड को रखना है इधर से ओवर ले और इसको ऊपर साइड रखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ही साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप लोग। ग्रीन कलर को भी जैसे सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। पहले इसका ब्लेंड मोड पे जाके कर देना है, इसका मोड को रखना है ओवर ले, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसको भी सेट कर लेना आप लोग। और आपको लास्ट वाला एक पीएनजी ऐड करना है, ठीक है। ये वाला पीएनजी, इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो इसको सिंपली नीचे की तरफ इस तरह से सेट करना है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये लगाने से ही। और एक लास्ट छोटा सा काम सिर्फ इधर रह गया है, तो हमारा होली का जो टेक्स्ट पीएनजी था उसको सिंपली इधर ऐड करना है। ऐड करते ही दाएं तरफ इस तरह से सेट कर लेना है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा बोलने में या फिर आप लोगों को समझाने में कोई प्रॉब्लम मुझसे हो रहा है या फिर कोई गलती हो रहा है तो मुझे बताओ यार। आप लोग नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा, तो कैसे क्वालिटी ले आऊँगा अपने अंदर, ठीक है। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है ये, आप लोग कमेंट में बताना मेरा गलती कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।